हेलो गाइस, मैं विकास विश्वकर्मा फिर से आपसे एक बार फिर जुड़ चुका हूं अपने ही चैनल पर विकास टेक सॉल्यूशन पर। फ्रेंड्स, आज फिर से हम भाई अपनी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है टू सेट आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क। हमें अपने जो सिस्टम है उसमें आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क को फीड करना है, जिसके थ्रू हम इंटरनेट को जो एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ जो ये प्रोसेस आप देख रहे हैं, ये प्रोसेस हल्की सी चेंज है। इसका वजह यह है कि ये जो प्रोसेस लिखी हुई है, ये प्रोसेस है आप जब लैन केबल से इंटरनेट चला रहे होते हैं तब आपको इस ये प्रोसेस लगती है। अदरवाइज मैं आपको अभी जो प्रोसेस बताने वाला हूं, जैसे आप वाईफाई से या फिर आप किसी इथरनेट कनेक्शन के थ्रू, मोबाइल से यूएसबी के थ्रू अगर आप इंटरनेट को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर आपको जो ये प्रोसेस है वो दूसरी वाली जो प्रोसेस मैं भी आपको बताने वाला हूँ वो प्रोसेस यूज करनी होगी। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई और प्रोसेस नहीं लिखना है, तो आप सिर्फ ये जो प्रोसेस लिखी हुई है इसी प्रोसेस को लिख कर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें भी आपको प्रैक्टिकल्स बनाने में कोई भी इशू नहीं आएगा, ये प्रोसेस भी बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं हमें अगली प्रोसेस जो है वो हमारी कैसे करनी है। इसके लिए हमें नॉर्मली, जैसे हम लोगों ने पिछली बार इंटरनेट कनेक्शन एक्सेस किया था, तो उसके लिए हम लोग गए थे, हम यहां पर जाएंगे और इसमें जाकर हम नेटवर्क एंड इंटरनेट शेयरिंग पर सेटिंग पर क्लिक कर देंगे। इंटरनेट सेटिंग पर पहुंचने के बाद, जैसे हम लोग यहाँ पर इथरनेट से कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पर इथरनेट में आने के बाद यहाँ पर हमें चेंज अडॉप्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। चेंज अडॉप्टर का ऑप्शन पर क्लिक कर हम उस सेटिंग में पहुंचेंगे जहां से हम लोग अडॉप्टर्स की सेटिंग को चेंज कर पाएंगे। ये हम लोग अडॉप्टर्स की सेटिंग में आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दिख रहा है, एक वाईफाई का, एक इथरनेट का और एक इथरनेट टू का और एक लोकल एरिया कनेक्शन। लोकल एरिया कनेक्शन वही है जिसके बारे में मैंने आपसे वीडियो के शुरू में बात की थी कि हम लोग लोकल एरिया कनेक्शन से अगर जुड़े होते तो हमें क्या प्रोसेस अपनानी रहेगी। तो उसके पहले की जो प्रोसेस है वो तो नॉर्मली यही रहेगी। इसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ जैसे इथरनेट पे है तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं जिससे कि हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज को ओपन कर सके। यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ ये दोनों की ही प्रॉपर्टीज हमारे सामने खुलकर आ चुकी है। तो यहाँ हम चाहे जिसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हम लोग जो है इथरनेट टू की प्रॉपर्टीज में अगर कोई चेंजेस करेंगे तो यहाँ इसको चेंजेस करना और अप्लाई करना पॉसिबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये हम अपने मोबाइल कनेक्शन के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोग वैसे देख सकते हैं कि हमें किस तरीके से इसमें चेंज करना होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर इथरनेट टू की जो प्रॉपर्टीज है उसमें भी अगर हम चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा और इसके बाद हमें इसकी प्रॉपर्टीज में जाना होगा। यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर हमें जो ऑप्शन दिख रहे हैं वो यहाँ पर हम इसको क्लिक इनेबल करके यहाँ पर आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क और डिफॉल्ट गेटवे डालकर और डीएनएस सर्वर के थ्रू हम यहाँ पर इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारी फर्स्ट प्रोसेस लिखी हुई है वो भी मैं आपको बता दूं कि उसमें भी हमें यहाँ पर लोकल एरिया कनेक्शन की प्रॉपर्टीज को ओपन करना है। इसके बाद टीसीपी आईपी, ये जो हमारा इंटरनल प्रोटोकॉल वर्जन 4 टीसीपी आईपीवी 4 का जो ऑप्शन है इसी पे हमें जाना है। यहाँ पर हमें प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे यूज ऑफ फॉलोइंग आईपी पे, यहाँ पर हम यहाँ पर आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क और गेटवे की डिटेल डालकर हम लोग यहाँ पर इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप इजीली जो है अपना जो इंटरनेट एक्सेस है वो कर सकते हैं, इसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पर आपको ये तो प्रोसेस आपको नॉर्मली प्रैक्टिकल्स बनाने के लिए है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, हम इसी टॉपिक पर दोबारा से कोई और वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको इजिली समझ में आ सके। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजिली मिल सके। थैंक यू सो मच।